स्क्रीन पर नजर आ रही इस युवती की चर्चा इन दिनों बरेली समेत पूरे सूबे में है। बरेली की रहने वाली नेहा यादव को समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेहा के पिता बस कंडक्टर हैं और लंबे संघर्ष के बाद उन्हें पार्टी की ओर से यह जिम्मा सौंपा गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते रोज नेहा यादव को यह पदभार दिया है, जिसके बाद उन्हें लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं। ये वही नेहा यादव हैं जो अमित शाह को प्रयागराज में काला झंडा दिखाने वाली टीम में शामिल थी। बकौल नेहा, वो छात्रों के भविष्य और हक के लिए हमेशा चिंतित रहती हैं और अब तक अपनी मांगों और प्रदर्शन के चलते 6 बार जेल भी जा चुकी हैं। नेहा ने BHU से MSc तक पढ़ाई की है। दिलचस्प तथ्य ये है कि कुछ रोज पहले कई दफे जेल जाकर उनका मनोबल गिरा था। उसके बाद अखिलेश यादव उनके घर बरेली तक गए और उनका मनोबल भी बढ़ाया, साथ ही ये बड़ा पदभार भी सौंपा। नव नियुक्त समाजवादी छात्र सभा अध्यक्ष नेहा यादव का कहना है कि वो पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी और छात्रों के हक के लिए यूं ही लड़ती रहेंगी।